हर जगह फिश दिखेगी। ये रोड पे बना हुआ है। सो गाइज ये रहा वो रेस्टोरेंट जिसमें हम अभी खाना खाने जाने वाले हैं। सो आइए चलते हैं। गाइज इस साइड से देख सकते हो ये कलंगूट बीच का रास्ता है, ऑलमोस्ट 10-15 कदम है फिर बीच स्टार्ट हो जाता है और उसी के सामने रेस्टोरेंट है। सो गाइज अब हम होटल आ चुके हैं, मैं आपको होटल का व्यू दिखा देती हूँ। इस साइड से देखिए ये साइड जो एरिया दिख रहा है ये बाहर का एरिया है, देखिए होटल काफी अच्छा है, स्पेसिंग काफी अच्छी है, काफी सारे लोग आते हैं, रेटिंग अच्छी है इस रेस्टोरेंट की, बस सर्विस भी अच्छी है। मैं इसके पहले जब भी आई हूँ यहाँ पर मैंने डेफिनेटली ये वाला रेस्टोरेंट चूज किया था, फूड बहुत भूख लग रही है, बिना बातें करे हम ऑर्डर कर रहे हैं खाना। ये रहा मैं और मैं खाना ऑर्डर होने के बाद बता दूँगा आपको। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पानी पी लिया ठंडा, गला पकड़ लिया और मैं कंटिन्यू बीच पे रही हूँ। टाइम सुबह भी बीच पे, शाम को भी बीच पे, कंटिन्यू बहुत ज़्यादा बीच में रहना, पानी पीना, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, थोड़ा वॉइस थोड़ी अजीब आएगी तो फॉर देट सॉरी। मैं खाना ऑर्डर करने के बाद बात करती हूँ। एक्चुअली अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ क्लोजिंग टाइम हो गया है, तो इतना इस टाइम पे ना ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, तो मुझे एक ही बार ऑर्डर करने का इन्होंने कहा कि आप एक ही बार ऑर्डर करो। सो मुझे जितना सूझा मैंने सब ऑर्डर कर दिया। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं आपको नॉर्थ इंडियन खाना दिखाऊंगी या साउथ इंडियन गोवन फूड, तो एक्चुअली गोवन फूड नहीं दिखा रही हूँ अभी मैं आपको, इसलिए मैं आपको एक स्पेशल पूरी चीज दिखाऊंगी जिसमें आपको गोवन स्नैक्स, फूड आइटम, जो लोग लंच मेन्यू में इवन स्नैक्स में जो खाते हैं सारी चीज़ें मैं सेपरेट दिखाऊंगी। फिलहाल मैं नॉर्थ इंडियन हूँ तो मुझे डेफिनेटली पनीर की सब्जी तो चाहिए ही चाहिए, तो ऐसा कुछ मैं ऑर्डर करी हूँ जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं। सो मैं खाना आने के बाद आपको खाना दिखाती हूँ। सो जस्ट वेट। तंदूरी रोटी, प्लेन और बटर दोनों है इसमें, ये है फ्राइड राइस, ये है पनीर टिक्का मसाला, ये है दाल फ्राई, ये हमने कुछ सर्व किया और हमने ऑर्डर किया है एक मसाला पाउडर। इतना सफिशियंट हमारे लिए और बच गया तो हम पैक करके खा लेते हैं और खाना वेस्ट नहीं करते। तो मैं खा रही हूँ खाना, आप घर में खाना खाइए। इसके पहले मैं एक्चुअली जब दो बार आई हूँ यहाँ पे तो मैं इसी जगह खाना खाई हूँ, यहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे यहाँ का टेस्ट तो डेफिनेटली पसंद है। इसलिए मैं आपको खाना एक बार खाकर बता दूँगी आपको कैसा रहता है। अगर आप यहाँ रह रहे तो हमारा बीच भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप यहाँ पे आकर डेफिनेटली खाना खा सकते हैं और मुझे बहुत अच्छी भूख लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट। सैलेड या अचार मैं नहीं लूँगी बिकॉज मेरा गला थोड़ा खराब हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया है, गर्मी लग रही थी दिन में, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिया, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया हमने। सो हम टेस्ट कर रहे थे गोवा में आके, आपको नॉर्थ इंडियन खाना अच्छा मिलता है ना, जन्नत है आपको। खा रही हूँ अभी खाना, मिलती हूँ आपसे खाना खाने का। सो गाइस इस रेस्टोरेंट का वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था
कि ये रेस्टोरेंट आपको जस्ट कलंगुट बीच के पास मिल जाता है, और क्योंकि यहाँ की रेटिंग बहुत अच्छी थी तो आप डेफिनेटली इस रेस्टोरेंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको 3 meal course मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बट मैंने डिनर प्रेफर किया बिकॉज मैं इसके पहले भी यहाँ पे आ चुकी थी। और क्योंकि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं इनके 3 meals को, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। अगर आपने मेरा ब्रेकफास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक आएगा, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। वो भी कलंगूट और बागा बीच के जस्ट पास में है, सो आप उसे भी डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। और ये आपको एक सेकेंड ऑप्शन दिया है मैंने। सो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द नए वीडियो में, जहाँ मैं आपको बहुत सारे और अच्छे अच्छे फूड टूर्स कराऊँगी, बिकॉज ट्रैवल तो हमने बहुत किया, अब कुछ खाना भी देख लिया जाए। सो मिलती हूँ आपसे, बाय।